स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रितु स्टडी पॉइंट्स में। आज हम बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इससे पहले लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ लिया है और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में भी इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसकी लिंक दी हुई है, वहां से देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बेकाल्पनिक रेखाएं। काल्पनिक का मतलब हम उसको मान रहे हैं, अपने मन में मान रहे हैं कि कुछ रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, बेकाल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। यानी कि एक जो वास्तविक मतलब जो विद्युत क्षेत्र है उसको प्रदर्शित कर रही है, वो क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब जैसे कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा मैंने ले ली, ये एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट ले लिए, इस पर एक विद्युत क्षेत्र रेखा ले ली, उस पर कुछ पॉइंट ले लिए, जैसे पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा ये, चौथा और ये पांचवा, मतलब 5 पॉइंट्स ले लिए हमने। एक विद्युत क्षेत्र रेखा ली, उस पर 5 पॉइंट लिए हैं। अब उन 5 पॉइंट्स पर क्या करेंगे, हम इनकी दिशा को दिखाएंगे, यानी कि क्या खींचेंगे, इस पर स्पर्श रेखाएं, ये इसकी दिशा दिखा दी। अब इसकी दिशा किधर की ओर है, यहाँ पर। इसकी दिशा कहाँ को है, यहाँ। इसकी दिशा यहाँ पर और इसकी दिशा ये। तो हमने क्या देखा कि इन सबकी दिशाएं अलग अलग है, और सबकी दिशाएं अलग अलग होने से क्या हुआ कि विद्युत बल रेखा के अगर हम किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा जो होती है वो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है या दिखाती है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट लिया, फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट की डायरेक्शन किधर की ओर हुई, ऐसे हुई। सेकेंड पॉइंट की डायरेक्शन हमारी ये है, थर्ड पॉइंट की डायरेक्शन ये, फोर्थ की है और फिफ्थ की ये। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी स्पर्श रेखा खींचकर ज्ञात की जा सकती है। तो अगर किसी कहीं भी मुझे जैसे यहां देखनी है तो यहां पर मैंने पॉइंट लिया और यहां पर क्या खींच दिया, एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा खींचकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता सकते हैं, उसकी दिशा क्या होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने 10th क्लास में पढ़ा है एक टॉपिक, चुंबक। चुंबक के बारे में हमने पढ़ रखा है, चुंबक में दो सिरे होते हैं, एन और एस। यहाँ पर उसको रिलेट करके पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि एक चुंबक है, इसके दो सिरे हुए, ये एन और ये एस। वहां पर हमने क्या पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ रखी है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, जो चुंबक के एन सिरे से एस सिरे की ओर जाती हैं। जैसे कि यहां से ये एन से एस की ओर गई, फिर ये भी एन से एस की ओर गई, ये भी एन से एस की ओर गई, ये भी एन से एस की ओर, और बाकी इस तरह से दिखा सकते हैं हम। ये यहां से इस तरह से आएगी और ये ऐसे। तो यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से कहाँ की ओर जाती हैं, एन से एस की ओर जाती हैं। और उसके बाद अब मुझे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर दिखानी है तो उसके लिए मुझे दो आवेश लेने होंगे। जैसे कि यहां पर ले लिया मैंने प्लस और यहां पर ले लिया मैंने, यहां पर लिया है प्लस और यहां पर लिया है माइनस। तो यहां पर भी सेम कंडीशन होती है, यहां पर एन और एस होते हैं और यहां क्या होता है, प्लस और माइनस। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो प्लस से माइनस की ओर जाती हैं। जैसे ये यहां से प्लस से माइनस की ओर जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाती है।
इस चीज को हम लिख देते हैं, यहां से ये इस तरह से आएगी। तो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की ओर आती है। इस चीज को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश की ओर जाती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाती है। और सेकंड क्या पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से शुरू होकर यानी कि धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, जैसे कि ये चुंबक में होता है बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। अब जैसे कि मैं बिल्कुल केवल ये मेरे पास एक प्लस है और यहाँ पर है एक माइनस। अब क्या होता है जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो के अगर हम केवल धनावेश के लिए देखें तो धनावेश से क्या होता है विद्युत बल रेखाएं दूर जाती हैं इस तरह से। अब ये दूर जा रही हैं तो ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो विद्युत बल रेखाएं केवल धनावेश के लिए धनावेश से आरंभ हो रही हैं और कहां तक जा रही है, अनंत तक। वैसे ही अगर ऋणावेश के लिए देखें तो ऋणावेश के लिए ये अनंत से आती हैं और कहां तक आती हैं, ऋणावेश यानी माइनस चार्ज तक आकर ये समाप्त होती है, माइनस चार्ज पर आकर रुकती हैं। तो ये केवल धनावेश या केवल ऋणावेश की बात के लिए होता है कि अगर केवल धनावेश है अर्थात केवल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से आरंभ होकर अनंत तक जाती हैं और केवल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से शुरू होकर ऋणावेश तक आती हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट में अर्थात यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, यहां से एक चीज दिख रही है हमको कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं प्लस यानी कि धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेखाएं धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर हम बिल्कुल दो या धनावेश ले लें या दो ऋणावेश ले लें तो विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार की होंगी या किस प्रकार से दिखेंगी। ये केवल धनावेश के लिए हमने देखा, केवल धनावेश के लिए जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से दूर जाती हैं और ऋणावेश की ओर आती हैं। अब अगर दो प्लस चार्ज ले लें यानी कि जैसे कि ये दो प्लस चार्ज। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी जो चुंबक के सिरे होते हैं, अगर हमने देखा भी है नॉर्मल, अब जब चुंबक देखते हैं हमने घरों में भी देखा है कि कभी कभी हम चुंबक से अगर चुंबक को पास लाते हैं तो वो दूर भागती है और कभी कभी क्या होता है एकदम से आकर चिपक जाती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि चुंबक के जो ये एन और एस सिरे होता है तो अगर इस एन सिरे के पास हम दूसरी चुंबक का एन सिरा लेकर आएंगे तो ये अगर सेम होंगे यानी कि समान होंगे तो इनमें होता है प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है यानी कि वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अगर हम दो सिरे यानी कि एन और एस और इसका भी एक सिरा एन और एस ले लिया, सिरे क्या हो गए दोनों अलग अलग हो गए। और जब ये विपरीत होते हैं तो विपरीत के लिए इनमें क्या हो जाता है
आकर्षण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम प्लस प्लस को एक जगह रखेंगे तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक दूसरे से दूर भागेंगे तो ये किस तरह से दिखाई देंगे, जैसे कि दूर भागने का मतलब यहां से अगर इस तरह से निकलेगी विद्युत बल रेखा और जो यहां से निकलेगी वो इधर को, एक दूसरे से दूर भाग रही है, अब यहां से इस तरह से निकलेगी और यहां से इस तरह से, और जितनी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो इस तरह से दूर दूर ही भागेंगी। ये तो अगर दो प्लस प्लस ये एक साथ हैं तो विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अब अगर हम दो माइनस माइनस को ले लें, जैसे कि एक माइनस और माइनस, तो इनमें भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगी इनमें भी ये, लेकिन यहां पर क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं माइनस की ओर आएंगी, माइनस की ओर आती हैं। ये यहां से इस तरह से इसका डायग्राम देखने को मिलेगा हमको। तो इस तरह से हम विद्युत बल रेखाओं को दिखा सकते हैं कि अगर समान आवेश हैं, दो या प्लस है या दो माइनस है, तो उसके लिए विद्युत बल रेखाएं इस तरह से उनमें प्रतिकर्षण होता है, इस तरह से क्या होती है वो एक दूसरे से दूर जाती है। अब अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। तो समान आवेश में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसमें भी दूर ही है। अगर दोनों आवेश समान है तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, अर्थात यहां से बोलेंगे कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से दूर है, समान आवेश में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, तथा ऋणावेश की ओर आती है ये चीज। अब अगर मैं विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरह से ले लूं, ये मैंने कुछ विद्युत बल रेखाएं ली हैं, ये मैंने कुछ विद्युत बल रेखाएं ले ली। अब क्या किया मैंने, इन पर कुछ पॉइंट मान लिए, जैसे मुझे क्वेश्चन दे दिया, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, इनमें ये यहाँ पर वन है, यहाँ पर टू है, यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर है। अब ये फोर पॉइंट मुझे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर मुझे क्या बताना है, बस यहाँ पर पूछा है कि इनमें से किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे बतानी है तो यहाँ पर ज्यादा पास पास रेखाएं हैं ये, उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे आ गया, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो अब मुझे यहाँ से एक चीज दिखी कि जो पहला पॉइंट था, जैसे पहले पॉइंट को मैंने लिख दिया E1, सेकंड पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, यहाँ पर E3 और यहाँ पर E4। तो ये फोर पॉइंट हो गए, E1, E2, E3 और E4। अब मुझे यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और कहाँ पर सबसे कम होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो इस एरिया के अंदर लाइन्स आ रही हैं, जैसे जो पहला वाला पॉइंट है वहां पर कितनी लाइन है, 1 2 3 4 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट का है कितनी लाइन है, 4। उसके बाद जो सेकंड में कितनी लाइन आ रही है, 1 2 3, तो सेकंड वाले में कितनी लाइन आ रही है, 3। थर्ड वाले में कितनी आ रही है, 2, और फोर वाले में आ रही है 1। यानी कि जहां पर ज्यादा विद्युत रेखाएं होती हैं, मतलब विद्युत रेखाओं की घनिष्ठता, यानी कि बहुत ज्यादा विद्युत बल रेखाएं होती हैं, तो विद्युत क्षेत्र भी वहां पर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कहाँ पर हैं, वन पर हैं। तो जो सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, वन पर होगा। उसके बाद ये 2। तो इस तरह से हम इनमें रिलेशन दिखा सकते हैं कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है और कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि विद्युत बल रेखाओं की समीपता विद्युत बल रेखाओं की समीपता विद्युत क्षेत्र की
प्रबलता को प्रदर्शित करती है। यानी कि जहां पर विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, और जहां पर विद्युत बल रेखाएं कम होंगी वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम होती है। तो इनकी समीपता यानी कि इनका पास पास होना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। अब कुछ स्पर्श रेखाएं देखो इस तरह से लेनी है हमको। मुझे विद्युत बल रेखाएं दी हुई हैं, चार प्रकार से दी हुई हैं, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर मुझे बस यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन रेखाओं की दिशा और परिमाण कैसे होंगे। जैसे कि परिमाण ले लें हम इनका और दिशा। अब मुझे जैसे मैं सबसे पहली वाली इनकी बात करूं तो यहाँ पर परिमाण का मतलब होता है जो ये रेखाएं दी हुई हैं इनके बीच का गैप कितना है। इनके बीच का गैप, अगर इनके बीच का गैप समान है, जैसे कि ये चीज, अगर ये चीज समान है तो इनका परिमाण कैसा होगा, नियत। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि इन सबके बीच का गैप समान है तो इनका परिमाण कैसा हो जाएगा, नियत। अब आती है दिशा की बात, सारी एक ही दिशा है तो इनकी दिशा भी कैसी हो जाएगी, नियत। अब अगर मैं इनकी बात करूं, सबसे ज्यादा गलती जो होती है वो इन्हीं में होती है, क्योंकि परिमाण का मतलब इनके बीच में जो गैप, यानी कि मुझे दिख रहा है कि यहां पर, फिर यहां और फिर यहां पर, इन सबके बीच में जो गैप दिख रहा है मुझे समान दिख रहा है, तो इनका जो परिमाण हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब दिशा देखने के लिए क्या करते हैं हम, मैंने बताया था अभी कि दिशा देखने के लिए हम किस यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पर क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, फिर एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची, अब एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से स्पर्श रेखा खींची। वैसे ही एक पॉइंट यहाँ लेंगे, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ से और फिर यहाँ से, वैसे ही यहाँ से इस तरह से हम स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। तो अब मुझे एक चीज देखने को मिली, इसकी दिशा यहाँ गई, इस पॉइंट पर दिशा इस तरह से गई और इस पॉइंट पर दिशा इस तरह से गई। कहने का मतलब ये है कि हर बिंदु पर दिशा हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है, जब चेंज होगी तो इसकी जो दिशा हो जाएगी वो अनियत हो जाती है। सबसे ज्यादा गलती इसी में होती है कि इसका परिमाण देख कर ही हम इसकी दिशा, हमें लगता है कि सारी एक ही दिशा में है, तो इसकी हम दिशा कैसी कर देते हैं, नियत, जबकि इसकी दिशा कैसी होती है, अनियत होती है। परिमाण नियत होता है और दिशा अनियत होती है। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा गलती यहीं पर होती है। अब बात करते हैं थर्ड वाली। अब थर्ड में मुझे दिख रहा है इन सबके बीच में गैप समान दिख रहा है मुझे, यहां पर गैप देखिए कितना है, फिर यहां पर कम हो गया, यहाँ थोड़ा बढ़ा और फिर यहाँ पर और ज्यादा हो गया, यानी कि गैप यहाँ पर समान नहीं है। जब गैप समान नहीं होगा तो यहाँ पर जो परिमाण होगा वो कैसा हो जाएगा, अनियत हो जाएगा। अब दिशा की बात करें तो सबकी डायरेक्शन एक ही है, अगर मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचू तो दिशा ये आ गई, यहाँ खींचू तो ये आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो डायरेक्शन कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो सब जगह दिशा समान आ रही है सारी रेखाओं में, यानी कि यहां पर जो दिशा होगी वो कैसी होगी, नियत होगी। अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में मुझे दिख रहा है सभी के बीच में गैप भी अलग अलग दिख रहा है और सबकी डायरेक्शन कोई ऊपर जा रही है कोई नीचे जा रही है, सबकी डायरेक्शन भी अलग अलग है। जब गैप भी अलग है डायरेक्शन भी अलग है तो यहां पर परिमाण कैसा हो जाएगा, परिमाण भी अनियत होगा और दिशा भी अनियत होगी। तो इस प्रकार से अगर कुछ रेखाएं में दी हुई हैं तो उनके बीच में दिशा और परिमाण हम यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए मेरे पास दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक ये है और दूसरी ये है। अब यहाँ पर बस मुझे बताना है कि दो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं।
अब मैंने दो स्पर्शरेखाएं खींची, अब स्पर्शरेखाएं खींचने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इनकी दिशा देखनी है। दिशा देखने के लिए क्या करेंगे, दिशा देखने के लिए हम यहाँ जहां भी दिशा देखनी होगी उस बिंदु पर स्पर्शरेखाएं खींचेंगे। जैसे मुझे यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु पर देखना है तो इस रेखा के लिए स्पर्शरेखा ये हो जाएगी और इस रेखा के लिए स्पर्शरेखा ये हो जाएगी। यानी कि इस एक यानी इस प्रतिच्छेद बिंदु पर हम स्पर्शरेखाएं खींचेंगे और वो स्पर्शरेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। अब यहाँ एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्शरेखाएं यानी कि दो दिशाएं दिख रही हैं हमको, और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं दिखना संभव नहीं है, यानी कि ये असंभव है और ये बात गलत है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वो प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी और जो कि असंभव है। अर्थात यहाँ से देखेंगे दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि ऐसा करने पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसे ये E1 और ये E2, जो विद्युत क्षेत्र को की अलग अलग दिशाओं को प्रदर्शित करेगी और जो असंभव है। इस प्रकार से हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।